A very good morning, guys. And आज बहुत दिनों के बाद डेली ब्लॉग करने की इच्छा हुई और मैंने शुरू किया. आज मैं हेयर कटिंग करने वाली हूँ. थोड़ा सा किया है मैंने, पूरा नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ. तो और थोड़ा सा बाकी है और हेयर कट करूँगी आज और आपको बताऊँगी कि कैसा लग रहा है. आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है. एंड आज हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, सो इट्स अ ब्राइट डे, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. सो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. लव यू गाइस, लव यू सो मच. दिन की शुरुआत कुछ फलों के साथ. आज मुझे बड़ा मन कर रहा था तो मैंने अमरूद ले लिए हैं. अमरूद में थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है. इट टेस्ट रियली नाइस. आप लोग भी खाइएगा, मज़ा आएगा. स्टे ट्यून्ड. आई एम कटिंग माय हेयर्स. आई हैव ऑलरेडी कट माय हेयर्स पीछे से, आगे का कुछ कर रही हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट. हेयर कट तो कर लिया, अब थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लूँ. मेरे पास कोई हेयर ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं है. अपने हाथों के मदद से मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अपने आप को. उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर. आप लोग को साथ में लेके जाऊंगी. देखते हैं कितना मज़ा आएगा. बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ. सोच के ही जा रही हूँ. बहुत दिनों के बाद एक मूवी देखने जा रही हूँ. कौन सी मूवी किसके साथ, आप साथ में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा. एंड ज़रूर से बताइएगा पूरा लुक जब मैं दिखाऊँ तो आपको कैसा लगा मेरा हेयर कट एंड ऑल. अभी मैं जानबूझ के नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं भूखी बनी हुई हूँ. तो मुझे हर मूवी में भी चांस मिल सकता है. तो कुछ इस तरह से मैंने अपने हेयर कट करे हैं एंड काफ़ी लेंथ काटी है मैंने. रीज़न दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत गर्मी लगती है शरीर में. और बाल सुंदर हो, नहीं हो, लंबे हो तो बहुत दिक्कत देते हैं. तो उस वजह से भी मुझे करना पड़ा और काफ़ी टाइम हो गया था एक ही लुक को कैरी करते करते. मैं खुद बोर हो गई थी खुद से. तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये खुद से किया हुआ हेयर कट, प्लीज़ बताइएगा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं. एंड मैंने इस तरफ करके भी देखा बट मुझे उतना सही नहीं लगा तो मैंने ऐसे रखा है अपने हेयर्स को. कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा. एंड मिलते हैं हम आगे की शेयर करेंगे हम लोग साथ में. स्टे ट्यून्ड विद मी. लव यू गाइस. सो गाइस, मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है. यहाँ से मैं चल रही हूँ ऑटो में बैठ के, वही अपनी फ्रंट सीट में जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है. और कुछ टाइम के बाद मैं बहुत ही सस्ती सुंदर टिकाऊ वाली चीज़ लूँगी, वो है बस. हमारे कोलकाता में बसेस चलती है, ट्राम्स चलते हैं, ऑटोज चलते हैं, टैक्सीज, ऊबर, वो सब कुछ होता है. बट सबसे सेफ है, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता जो है वो है बस. तो बस वहीं जाएंगे और उसके बाद हम कुछ लोगों से मिलेंगे जिनके साथ मैं जा रही हूँ मूवी. आगे की जर्नी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद योर भूमिका दीदी. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड. तो अब मैं बैठ चुकी हूँ बस में, जा रही हूँ. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एक्साइट एंड एक्साइट में एक का नाम है नंदन. ये नंदन जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म और बहुत ही कुमार खान टाइप की मूवी जैसे केरला फाइल टाइप की मूवी सकती है. एंड बहुत ही अच्छा पॉश माहौल होता है, बहुत ही अच्छे लोग आते हैं. मैं नहीं कहती हूँ दूसरे थिएटर में अच्छे लोग नहीं आते, बट एक होता है ना एक पीपल काफ़ी पॉश एंड जो बहुत ही तालियाँ सीटियाँ नहीं बनाना चाहते हैं इस टाइप के लोग आते हैं. तो वैसे माहौल ये थी. मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कुछ मूवीज होती है जिन्हें शांत मन से देखना पड़ती है. बट आज की वो ऐसी मूवी नहीं है. आई रियली डू नॉट नो अबाउट दैट मूवी. इट इज़ समथिंग लाइक बाकी तो आई बंगाली मूवी एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग बंगाली मूवी. दो घंटे का मूवी है साल में. उसके बाद हम लोग आज का दिन अच्छा जाएगा. दोस्तों से आप शायद कर ही चुके हो क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सही है और कुछ ऐसे जो मैंने मुझे अच्छे से धोखा दिया और दिल देखता है.
गए हैं एंड पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कपल्स भी रहे हैं, यहाँ पे कपल्स लोगों को भी देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मेरे दोनों बंधु जा रहे हैं आगे, यस। एंड आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। तो यहाँ पे हम एंट्री मार रहे हैं, ये ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। दिस इज द प्लेस। नाउ भाग रही हूँ। ভেতরে তোলা বারুন, শি মিন্স টু সে ভেতরে ক্যামেরাতে কুছ ভি ছবি তুলনা বারুন, কুছ অর মত সোচনা, ইয়ে ডবল মিনিং আতি হ্যায়, বহুত ডবল মিনিং হ্যায়। দিস ইজ দি এন্ট্রেন্স কা জগহ এন্ড হম লোগ ঘুস রহে হ্যায়, আব ইয়ে ফিল্ম দেখনে জা রহে হ্যায়। আই এম সো এক্সাইটেড। ইস মুভি কা নাম কিয়া হ্যায়? ইয়ে বিভ্রাত। ওকে, লাভলি মুভি ইজন্ট দ্যাট? আই এম এক্সাইটেড। বাই। সো মুভি দা ডার্লিং, হাউ ওয়াজ দ্য মুভি? निकल गए और निकलने के बाद कुछ चैटिंग वैटिंग करी, उसके बाद मोमिता भी घर के लिए निकल चुकी है एंड मैं खा रही हूँ ये है मोमो। और ये मोमो जो है एक्साइट, कोलकाता में एक जगह है एक्साइट, हल्दीराम्स के ठीक ऑपोजिट में है। और ये मोमो की जो शॉप है, मैं जब 5-6 साल की थी तब से खा रही हूँ, तब से यहाँ पर मैं मोमो खा रही हूँ। और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई तब भी मोमो खाती हूँ। यहाँ पे आने से मोमो की जो स्मेल होती है वही पागल कर देती है। सो इफ आई एम एबल टू मेक यू सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लवली, मैं पागल हूँ इस मोमो के लिए। और इसके साथ जो सूप दिया जाता है, दो चटनी दी जाती है, ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, दैट इज अमेजिंग। और यहाँ पे कुछ भी हो जाए, टेस्ट कभी नहीं बदलता है, लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत प्यार से सर्व करते हैं। उसको दिखाती हूँ, ये देखिए ये भैया, ये शॉप है। तो कोई भी अगर कोलकाता में आ रहे हैं तो हल्दीराम्स के ठीक ऑपोजिट में, एक्साइट के हल्दीराम्स के ठीक ऑपोजिट में ये भैया अपना स्टॉल लगाते हैं मोमो का। यहाँ पे पनीर मोमो मिलता है, शेजवान मोमो मिलता है, स्टीम मोमो मिलता है, बहुत ही लिमिटेड आइटम्स है बट ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। सो जल्दी से आइए और खा के जाइए। आप सीरियसली बोल रहे हो, जब भी आएंगे पागलों की तरह यहाँ पे लाइन लगा के खाओगे सी। और यहाँ पे यंगस्टर्स, ऑफिस पीपल, सबको आते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सो बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। एंड आई ऑलवेज कम हियर टू एन्जॉय दीज मोमोज। मेरा वेज मोमो है, सो आई एम लविंग माई वेज मोमो विथ सूप। चलो अब मैं टाइम वेस्ट ना करके खाती हूँ। बाय बाय। अब मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से खुश, बस करके एक ऑटो पकड़ना है और घर पे पहुँचूँगी मैं। एंड गाइस, अब मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है घर जाकर मैं करूँ। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ लंदन मेट्रोपॉलिटन, क्या बोलते हैं, मेट्रो प्लान, क्या बोलते हैं, वट एवर, लंदन हॉल थिएटर में जाकर कैसे लगा? ये बहुत ही मज़ेदार मेरा सफर रहा, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी दोस्त मेरे साथ और दो घंटे थे। अच्छा कर दूँ आप सबको, आज का दिन अच्छा लगा होगा मेरे ब्लॉग में, तो अगर अच्छा लगा है तो मज़ा मस्ती के लिए कोलकाता आइए और ऐसे ही फन करिए। कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय, ऑफ जॉय। आई लव यू ऑल एंड सेइंग बाय बाय। टू द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। जय हिंद।